हेलो दोस्तों, सहारा मोबाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में है टेक्नो KE5 जिसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों, हम UMT का MTK टूल को ओपन कर लेंगे। टूल ओपन हो गया है। अब हम डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। MTK1 क्लिक टैप पर रहने देंगे और रीसेट फॉर्मेट पर टिक लगाएंगे और रीसेट FRP भी लगाएंगे और यहाँ पर सेफ फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जीक्यूट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने फ़ोन को ऑफ कर लेंगे और वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर डाटा केबल इंसर्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है ब्राउन मोड में कनेक्ट हो गया है। उसके बाद ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक ले लेगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है फॉर्मेट भी हो गया और FRP रीसेट भी हो गया। अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे। मोबाइल को ऑन करेंगे, डाटा केबल निकाल लेंगे और उसको पावर बटन दबा के इस मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है इरेज हो रहा है। उसके बाद ये ऑन होगा। ऑन होने में नहीं भी तो कम से कम 2 से 3 मिनट का ये टाइम लेता है, उससे ज़्यादा का नहीं लेता है। 2-3 मिनट आप वेट करें, मैंने वीडियो कट कर दी है। देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है, ना ही इसमें FRP लॉक है। देखिए, FRP लॉक रहता तो यहाँ पर लॉक का लोगो आ जाता है। तो हम इसको नेक्स्ट और स्किप करके इसके सारे सेटअप को फिनिश कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।